नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल सभागार में मंगलवार को जिला पंचायत राज अधिकारी की विदाई और नवागत जिला पंचायत राज अधिकारी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहायक विकास पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर जिला पंचायत अधिकारी श्रीकांत दरबे की विदाई और नवागत जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह यादव का स्वागत किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष आशीष सिंह, मंत्री अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष दुर्गा राय और जिला अध्यक्ष सीपी यादव, ओंकार नाथ, गुलाब चौरसिया सहित 2200 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष व कर्मचारी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या प्राथमिकताएं रही? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 1996 में सेवा ज्वाइन की और इसके पूर्व, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अभी गौतम बुद्ध नगर में था, इसके पहले प्रतापगढ़ जनपद में था, इसके पहले अमेठी था, मैं इलाहाबाद में भी, फतेहपुर में भी, मैं भदिया में भी नियुक्त रहा हूँ। प्राथमिकताएँ वही हैं जो सरकार की प्राथमिकता होगी, हम उनकी उसी रूप में, उसी ढंग से, समयबद्ध ढंग से उसको क्रियान्वित करना चाहेंगे। जी, आज आपका जनपद में आखिरी दिन है, तो किस तरह के दायित्व को आपने निर्वाह किया, कैसा स्नेह मिला, आजमगढ़ में कार्यशैली कैसी रही, किस तरह की चुनौतियां रही आजमगढ़ में? मैं श्रीकांत दरबे 1 जुलाई 2019 को जनपद आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और 30 जून 2024 को यहाँ से 5 साल के कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रतापगढ़ में मेरी तैनाती हुई, जहाँ मैंने प्रतापगढ़ में ज्वाइन कर लिया। विगत 5 वर्षों में आजमगढ़ में स्वच्छता के संबंध में शौचालय बनाना, SLW का काम, ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड को कीपिंग कराना, क्लस्टर की तैनाती करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों के सहयोग से सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया और जनता के सहयोग, कर्मचारियों के सहयोग से ही हम आगे कुछ कर पाए हैं और उनका प्रेम, स्नेह और उनके साथ के कारण आज ये अवसर मिला है कि ये सभी लोग मेरे विदाई के लिए आए हैं। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इनका ऋण हमेशा रहेगा कि ये लोग हमेशा आगे अच्छा करते रहें। बुके का पेड़ न लगाएं भैया, कृपया पेड़ न लगाएं, जो भी साथी अगर माला पहना ले तो आप लोग नीचे चले। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।